अस्सलाम वालेकुम जी, आज आप लोगों के लिए केक बना रहे हैं जो कि बहुत देरी से रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि अवन के बगैर बनाया जाए। तो ये आप केक प्रेशर कुकर में भी बना सकते हैं और एक सादी हांडी में। मैं इसे आज हांडी में बना करके आपको दिखाऊंगी। चीज़ें जो आपको चाहिए, दिस इज़ अ बेसिक स्पंज केक, बहुत ही सॉफ्ट बनता है, इंशाल्लाह इसका रिजल्ट आप देखेंगे। आपको चाहिए इसके लिए आइसिंग शुगर जो कि पाउडर शुगर होती है, प्लेन फ्लावर यानी कि मैदा भी इसे कहा जाता है, ऑल पर्पज़ फ्लावर भी कहते हैं, वनीला का एसेंस जाएगा बीच में, बेकिंग पाउडर जाएगा, अंडे जाएंगे यानी कि एग्स, और केक का टिन आप जो भी इस्तेमाल करेंगे उसको आपने अच्छे से ग्रीस करना है। बीच में आप लगाएंगे उसमें पार्चमेंट पेपर, बटर पेपर जो आपके पास हो वो लगा कर आपने दोबारा उसको अच्छे से ग्रीस कर लेना है। तो ये चीज़ें हो गई केक बनाने के लिए, और उसका पैन आपको दिखा दिया, आपको दिखाते हैं कि इसको बनाना किस तरह। यहाँ पर आपको ज़रूरत होगी दो बोल्स की। देखिए यहाँ पे मैं आपको एक टिप देने जा रही हूँ कि जिसमें आप अंडे की सफ़ेदी को डाल करके रखेंगे उसमें बिल्कुल पानी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी तेल का टच नहीं होना चाहिए, वरना फिर आपके जो एग वाइट्स हैं वो प्रॉपरली राइज नहीं होते हैं। ये एक बहुत ख़ास टिप होती है जिसका आपने ख्याल रखना है। तो ये बोल्स हैं यहाँ पर, एक में आप जो हैं इसके वाइट्स इकट्ठे कर लें और दूसरे बोल में जो है उसकी जर्दी यानी कि योग इकट्ठी करेंगे, और यहाँ पे इसके एग वाइट्स इकट्ठे कर रहे हैं। अब आप एक इलेक्ट्रिक विस्क लेंगे और आपने इसको इतनी अच्छी तरह बीट करना है यहाँ तक कि आप देखेंगे कि ये डबल द वॉल्यूम में हो जाता है और इसके स्टिफ पीक्स यानी कि जो है चोंचे सी बननी शुरू हो जाती है। तो ये देख लें, परफेक्टली अंडा जो है इसकी सफ़ेदी हमने बीट की और ये स्टिफ पीक्स इसके बन गए हुए हैं, फ्लफी हो गया, डबल द वॉल्यूम है। अब नेक्स्ट स्टेप जो है, हमने अंडे की जो जर्दी है यानी कि योक्स इसको बीट करना है। आप करेंगे क्या कि अंडे को आप बीट करेंगे और थोड़ी थोड़ी पाउडर शुगर बीच में ऐड करते चले जाएंगे, मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे आप अंडे की जो जर्दी इसको बीट करना शुरू करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता इसमें हम ऐड करेंगे पाउडर शुगर और आपने इसको हाई स्पीड पर करना है। अब जो जर्दी और चीनी का हमने मिक्सचर बनाया है उसे आपने ये अंडे की सफ़ेदी में ऐड करना है और दोबारा हम इसे बीट करेंगे लो स्पीड पर, सिर्फ इतना कि ज़्यादा बीट नहीं करेंगे, सिर्फ इतना ही बीट करना है कि ये दोनों कंबाइन हो जाएं यानी कि एक जान। या आप देख रहे हैं बीच में जो हवा के बबल्स आपको नजर आ रहे हैं, इसी वजह आपका केक बहुत लाइट बनेगा, इसलिए अंडे की सफ़ेदी को बीट करना बहुत ज़रूरी होता है और बहुत अच्छे से। इसमें आप ऐड करेंगे जो कि वनीला का एसेंस आपको दिखाया था, और हल्के हाथों से आपने इसको यूँ जो है बीच में स्टर कर लेना है, और दूसरी तरफ आपने क्या करना है कि जो प्लेन फ्लावर और बेकिंग पाउडर है इन दोनों को अच्छे से मिक्स कर लें और इसे भी बीच में हम ऐड करते हैं। अब जो ये मैदा और बेकिंग पाउडर का मिक्सचर है, आपने तमाम को इकट्ठे डंप नहीं करना, आप इसमें एक एक बड़ा टेबलस्पून जितना भरकर डालेंगे और आपने इसको जो है बीच में अच्छे से इसको फोल्ड करना है। एक टेबलस्पून डाला और मैंने इसको अच्छे से बीच में फोल्ड किया, इसी तरह आप दोबारा एक और टेबलस्पून डालेंगे और इसको अच्छे से इसमें फोल्ड करेंगे, बीच में कोई लम्स नहीं होना चाहिए। इसी तरह आप तमाम खुशके को जो है इसमें इस तरह ही ऐड करते जाएंगे एक एक टेबलस्पून करके और मिक्स करते जाएंगे। तो ये देख लें, इसी के से आपने इसको अच्छे से फोल्ड कर लिया। अब आप इस बैटर को जो ग्रीस्ड हमारा यहाँ पर आपको मैंने पैन दिखाया था उसमें पहले आप जो है ट्रांसफ़र कर लें। यहाँ पर क्योंकि हम इसे हांडी में बना रहे हैं, आपने करना क्या है, नीचे आप नमक की एक तह लगाएंगे और बीच पे कोई भी स्टील का बर्तन या कुछ भी रख लें, प्लीज़ प्लास्टिक वगैरह मत रखिएगा, वो मेल्ट हो जाएगा। और हम इसे यहाँ पर बेक करेंगे। मैंने सबसे पहले इसको 5 मिनट्स के लिए हाई फ्लेम के ऊपर जो है अच्छे से गर्म कर लिया, एक ओवन की सूरत में बन जाता है, ये इतना गर्म हो जाता है। देखिए नमक का ये होता है कि काफ़ी बहनों ने मुझसे पूछा क्या ये दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है, सिर्फ इसी तरह हांडी या प्रेशर कुकर में बेकिंग के लिए आप ये नमक को इस्तेमाल कर सकते हैं, दोबारा खाना पकाने के लिए प्लीज़ मत इस्तेमाल कीजिएगा, ये मैंने आपको यहाँ पर आज बता दिया। और नमक डालने की वजह ये होती है इससे स्टीम नहीं बनती, और दूसरा ये होता है कि क्योंकि हम हांडियों में खाना बनाते हैं तो कोई मसालों की स्मेल वो भी इसको जो है बिल्कुल कम्प्लीटली ख़त्म कर देती। तो ये भी आपको आज एक्सप्लेन कर दिया। अब आप इसके अंदर जो है बहुत ध्यान से इसको डालेंगे, क्योंकि वो ये कि इसका बेस है, वरना डायरेक्ट उसको हीट पड़ेगी और केक जल सकता है। इसे अब हम यहाँ पर कवर करेंगे और आप इसे कुक करेंगे फॉर
5 मिनट्स हाई फ्लेम पर और फिर मैं आपको नेक्स्ट बताता हूं। 5 मिनट हाई फ्लेम के बाद अब आप यहां पर ला करके बिल्कुल इसको लो फ्लेम पर बेक करेंगे, यानी कि बिल्कुल धीमी आंच पे। यहां पर मैं ढक्कन नहीं खोलूंगी क्योंकि यहां पर इसकी जो बेकिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। ढक्कन खोलने से होगा कि हीट रिलीज होगी और केक जो काफी बहरों का इश्यू होता है वो फ्लैट हो जाएगा, बीच में जाके सिंक हो जाएगा। तो इसकी बेकिंग यहाँ पे हो जाने दें। अगर आप हांडी इस्तेमाल करें जिसका तला हैवी है तो इसको थोड़ा टाइम ज्यादा लगता है बेकिंग के लिए, लेकिन मेरी जो हांडी इसका तला इतना हैवी नहीं है तो ये 15 से 20 मिनट में इंशाल्लाह बेक हो जाएगा। एंड रिजल्ट आपको जल्द दिखाएंगे, लेकिन ये कि आपको दो टिप्स यहाँ पर बता दिए, ढक्कन आप नहीं खोलेंगे फिलहाल और लो फ्लेम पर रखकर आपने इसको बेक करना है। अगर आपका तला हैवी है 25 मिनट और अगर लाइट है 15 से 20 मिनट। यहाँ पर आपको दिखा देते हैं इसका रिजल्ट। कोई भी आप लेंगे शार्प चीज और बीच में कम्प्लीटली अंदर तक आप इसको इंसर्ट करते हैं और ये देख लें कम्प्लीटली ड्राई है, केक इज डन। चूल्हा बंद कर देते हैं और इसे बीच में से ध्यान से रिमूव। केक रिमूव कर लेने के बाद यहाँ पर उसको अब थोड़ा सा ठंडा हो जाने दें, तकरीबन 10 से 15 मिनट दें और फिर इसको जो है हम काट करके डिश आउट करें। ये स्प्रिंग फोम का पैन है तो मैंने इसको यहाँ से रिलीज कर दिया और इसको आप यूँ रिमूव कर लेते हैं। और उसके बाद साइड पर जो हमने इसका पार्चमेंट पेपर लगाया हुआ है वो आप रिमूव कर लें और इसको थोड़ा सा ठंडा हो जाने दें और फिर हम इसे डिश आउट कर लें। वो ठंडा हो जाता है तो आपने जो है क्योंकि बटर पेपर लगाया है ईजिली ये देखने रिमूव हो जाता है और कलर देख लें माशाल्लाह कितना इसका खूबसूरत आया है नीचे से भी। और ये बहुत ही सॉफ्ट और मॉइस्ट केक बनता है ये देखें, ठीक है। अब इसे आपको काट के भी दिखा देते हैं। अब इसके बाद इसे आपको काट के भी दिखा देते हैं इसका रिजल्ट। तो देख लें माशाल्लाह कितना सॉफ्ट और ये मॉइस्ट केक बनता है ये देख लें, ठीक है। आप इसको फ्रेश फ्रूट के साथ सर्व कर सकते हैं, क्रीम के साथ, वो आपकी अपनी चॉइस पर है। और इसे अब हम डिश आउट कर लेते हैं। तो ये रहा आपका बेसिक स्पंज केक। इसके साथ में अगर आप चाहें तो आप जो पाइनएप्पल केक होता है फ्रेश क्रीम वो भी बना सकते हैं, अवन में भी इसको बेक कर सकते हैं। कंप्लीट रिटन रेसिपी के लिए आप जाएंगे मेरी वेबसाइट cookwithfaiza.net पर। ज़रूर बनाइए, आपको कैसा लगा दुआ में याद रखें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।